गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 8 बज चुके हैं और हम अभी निकलने लगे हैं। सोचा तो यही था कि 5-5:30 बजे चढ़ाई शुरू करेंगे, बट रात को ही लेट हो गए थे। 2 बजे तो रूम मिला, वैसे 8 बज चुके हैं। मयूर बुटीक होटल जो कि हमने बुक करा था, बड़ी मुश्किल से ये होटल मिला। रात को 2 बज गए थे इसको ढूंढते ढूंढते, और आप देख सकते हो बाहर कुछ लोग अभी यात्रा शुरू कर रहे हैं, कुछ वापस आ चुके हैं, तो हम भी अपनी यात्रा अभी जस्ट शुरू कर रहे हैं। तो सुबह के 8:15 के आसपास टाइम हो चुका है, तो ये निकल रहे हैं। सामने चाय वाले अंकल हैं, पहले मैं चाय पी लें एक। अंकल 2 कप चाय बना दो। गाड़ी नीचे लगा दी, यहाँ से फिर हमने ऑटो बुक कर लिया बाणगंगा के लिए। तो अभी हम मेन गेट पे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो सामने बहुत ही भीड़ है इस बार। आप वैसे तो ये सारे यात्री हैं जो कि पीछे से अपने रजिस्ट्रेशन करवा के काउंटर से पर्ची लेके आए हैं, तो आप एक ऑनलाइन रजिस्टर करवा के भी यहाँ आ सकते हैं। इस काउंटर से आप अपना RFID कार्ड मिलता है, जो लेके हमें अंदर जाना होता है वो ले सकते हैं आप। तो ये मेन चेकिंग पॉइंट है, एंट्री पॉइंट है, यहाँ से आप अपनी यात्रा शुरू करेंगे अभी। ये आप देख सकते हो सामने बाणगंगा, तो ये स्टार्टिंग में ही आती है जब आप अपनी यात्रा शुरू करते हो। ये आप सामने देख सकते हो पोनीज खड़ी हैं, तो आप यहाँ से पोनी भी बुक कर सकते हो और पिट्ठू भी ले सकते हो, और इनके भी रेट फिक्स होते हैं। आप यहाँ से देख सकते हो लट वगैरह ले सकते हो, लाठी अपने सफ़र के लिए। बहुत सारी स्टार्टिंग में आपको शॉप्स मिल जाएगी जहाँ पे आप अपनी फ़ोटोज़ भी खिंचवा सकते हो, और साथ में साथ के साथ दे देते हो और साथ में लेके जा सकते हो। और जब आगे आप देखोगे कि आपको बहुत सारे शुरू में मंदिर मिलेंगे जहाँ पे आप मत्था टेक सकते हो, ये बहुत पुराने और प्राचीन मंदिर हैं ये दोनों। थोड़ा सा चलने पे भूख लग गई है और कुछ खाते हैं। अब बैरून को देख सकते हो पहले ही मेन्यू लेके खड़ा है कि बस फटाफट ऑर्डर दे दो और कुछ खाने को मिल जाए। अभी वहाँ बैठेंगे और कुछ ऑर्डर करेंगे। अभी और ब्रेकफास्ट में ऑर्डर करा है डोसा और उत्पम, और साथ में लाइम वाटर। ये साथ में हमारे खाने के शौकीन भाई साहब मिस्टर वरुण कहते हैं चाट पापड़ी भी खा के ही जाएंगे। वहीं से कहीं नीचे से आए हैं हम। आप देख सकते हो वो दूर छोटी छोटी बिल्डिंग्स देख रही हैं, क्या ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। यहाँ से आप बैटरी कार ले सकते हैं, ये सामने खड़ी है सारी बैटरी कार। इसके टाइमिंग्स हैं आई थिंक 2-2.5 घंटे बाद चलती हैं ये। टिकट कटती है इसकी टाइमिंग से 2-3 घंटे आई थिंक इससे उसके आस पास से चलती है सारी बैटरी कार्स खड़ी हैं। ये आपसे ले सकते हो, ये सारे यात्री वेट कर रहे जाने का। अगला स्लॉट आई थिंक 1:30 बजे का और 11:30 बजे, स्टिल ये यात्री वेट करेंगे 1:30 बजे तक कि वहाँ बैटरी कार से ही जाए। तो जी भवन यहाँ से रह गया 2.5 किलोमीटर सिर्फ। ये 2.5 किलोमीटर अब तो सिर्फ ही लग रहा है, बिकॉज आप जब 10 किलोमीटर नीचे से चल के आते हो तो आप जस्ट देखते हो कि 2.5 किलोमीटर का बोर्ड लगा है, तो आपको यही लगता है बस थोड़ा सा रह गया। देख सकते हो व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, पीछे बहुत सुंदर लग रहे हैं ये पहाड़। वो सामने आप भवन देख सकते हो, बस जस्ट 500 मीटर और रह गए यहाँ से। लगभग अब दरबार पे पहुँच गया, माता के भवन पे पहुँच गए। 9:15 बजे शुरू कर रहा था सुबह के, अराउंड 1:30 बजे, तो थोड़ा 4.25 घंटे में हम भवन के पहुँच गए। सही स्पीड से आ गए हम इस बार। तो
जय माता दी। हम पहुंच गए हैं माता के भवन, सामने देख सकते हैं पहुंच चुके हैं। बहुत ही रिलीफ मिलता है जब आप पहुंच जाते हो कि आप 4-5 घंटे का सफ़र तय करके चढ़ाई चढ़ के माता के दरबार पर पहुंच जाते हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पहुंच के। तो भीड़ है, उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ होगी, बट भीड़ है इस बार भी। आप देख सकते हो भैरव बाबा के दरबार जाने का टिकट के लिए खड़े हुए हैं, तो उस रोप वे में जाएंगे ऊपर। ये सीधा यहाँ से जाती है ऊपर की तरफ, काफ़ी रश है। ये यहाँ से लाइन शुरू होती है और नीचे तक लाइन ही लाइन है। जरा दी तो हमने पोनी राइड चूज़ की और हम भैरव बाबा के पोनी राइड पे जा रहे हैं। तो हम पहुंच गए भैरव बाबा के दरबार और आप यहां से व्यूज़ देख सकते हैं, क्या ही सुंदर व्यूज़ आ रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ है और ये सामने सांची छत का आप हेलीपैड भी देख सकते हो। जो भी लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं तो यहीं रुकते हैं वो आके। वो दूर देख सकते हो स्नो कैप माउंटेन्स, बहुत ही प्यारी लग रही हैं ये माउंटेन्स। वापसी में हमें शाम हो गई और आप सामने देख सकते हो क्या ही सुंदर कटरा शहर लग रहा है। अंधेरे में तो बहुत ही सुंदर लग रहा है ये टमटमाती लाइट्स। और जी फाइनली हम अपनी यात्रा पूरी करके वापस पहुंच चुके हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इसके बाद जब तक कि जय माता दी।